आबू-धाबी में इंजीनियर्स की एक एलीट टीम एक बहुत बड़ी टनल बना रही है। फिनोमिनल, इसके जैसी दूसरी नहीं। ये कोई आम टनल नहीं है, ये एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग सबटरेनियन सुपर सुअर सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसे कहते हैं स्टेप। 41 किलोमीटर की लाइन टनल, क्या बात है, जो वेस्ट वाटर को ले जाएगा खुले डेजर्ट में, और ये होगा दुनिया का सबसे गहरा अंडरग्राउंड पंपिंग स्टेशन। हाँ, हेलो, साइड साइड। टीम को मुकाबला करना होगा तेज गर्मी से। आज बहुत ज्यादा गर्मी है, देखिए मुझे पसीना आ रहा है। टफ डेजर्ट रॉक से। मैं हर रोज 24 घंटे काम कर सकता हूँ, हफ्ते में 7 दिन काम कर सकता हूँ, दैट्स इट। और जानलेवा ग्राउंड वाटर से। हालात खराब हो रहे हैं, नीचे जाते हुए हालात खराब लग रहे हैं। ताकि वो इस सुपर सुअर को वक्त रहते कंप्लीट कर पाए। 41 किलोमीटर की टनल बनाना, वो भी 4 साल में, पता नहीं बन पाएगी या नहीं। के दिन अबू धाबी के बीचों बीच कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की यह टीम एक बहुत ही बड़े काम की शुरुआत करने वाली है। हमेशा याद रखना, सेफ्टी सेफ्टी। हम सब बिल्कुल तैयार हैं, 4000 आदमी बिल्कुल तैयार हैं। लेट्स सी। ये 41 किलोमीटर लंबी टनल को ड्रिल करना शुरू करेंगे, जो एक नए सीवर सिस्टम स्टेप का पार्ट है, और ये पूरी सिटी को क्रॉस करती हुई बाहर डेजर्ट तक पहुंचेगी। इतने बड़े साइज की टनल अब तक न सिर्फ अबू धाबी बल्कि गल्फ और मिडल ईस्ट तक में भी नहीं बनाई गई। जिस ऑर्गेनाइजेशन को ये मेगा स्ट्रक्चर बनाने का काम दिया है वो है ADSSC, और ये इनका काम है कि $1.5 बिलियन का ये सीवर इस सिटी की ग्रोथ के साथ टाइम पर कंप्लीट होगा। किसी ने सोचा भी नहीं होगा जो आज हम फेस कर रहे हैं। पॉपुलेशन बहुत ही तेजी से इंक्रीज हुई है। 1950 के बाद यहाँ अबू धाबी में तेल मिलने के बाद बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ हुई। एक छोटे से एल फिशिंग विलेज से ये सिटी बन गया, जहाँ अब 15 लाख लोग रहते हैं। आपको पता है, कुछ डेकेड्स पहले तक ये जो सारे बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं ना, इनमें से कोई भी यहाँ नहीं थी। जिस रोड पर हम अभी ड्राइव कर रहे हैं, यहाँ पर समंदर हुआ करता था। इसे रिक्लेम किया गया और फिर ऑब्वियसली यहाँ पर बिल्डिंग्स बनाई गई। लेकिन आज जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, इस सिटी के सामने एक बड़ी दिक्कत आ गई है। जो पाइप्स और ड्रेन्स वेस्ट वाटर को जमीन के नीचे ले जाते थे, वो अब ऊपर इस बढ़ते हुए प्रेशर को झेल नहीं पा रहे हैं। अबू धाबी का इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरत से ज्यादा यूज हो रहा है। हम फेस कर रहे हैं बहुत सारी ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स। सिटी के सारे शावर्स, सिंक्स, बाथटब्स, टॉयलेट्स, वॉशिंग मशीन्स और डिश वॉशर का वेस्ट वाटर अब इस छोटी सी ट्रीटमेंट फैसिलिटी में आता है। इसे 30 साल पहले एक छोटे से टाउन के हिसाब से बनाया गया था। ओरिजिनली ये प्लांट हर दिन 260,000 क्यूबिक मीटर वाटर ट्रीट करने के लिए बनाया था, और अब अबू धाबी हर रोज लगभग 6 लाख क्यूबिक मीटर वाटर प्रोड्यूस कर रहा है। सुवेज के पास यहाँ आने के अलावा और कोई जगह नहीं है, और इसी वजह से ये एरिया एक सुवेज लेक बन गया है। सुअर नेटवर्क अपनी लिमिट को क्रॉस कर चुका है, और ये शहर अबू धाबी एक टॉक्सिक टाइम बॉम्ब पर बैठा हुआ है। तो शहर को बचाने के लिए ADSSC एग्जिस्टिंग सुअर सिस्टम को इस सिटी की स्ट्रीट्स के नीचे एक्सपैंड कर रही है। ये एम्बिशियस सबटरेनियन स्ट्रक्चर अबू धाबी के सारे वेस्ट वाटर को एक बड़ी सी करीब 5.5 मीटर चौड़ी सुपर टनल में डाल देगा। इस सिटी की आइकॉनिक बिल्डिंग्स के नीचे से निकलने वाला ये मेगा ड्रेन पाइप इस रॉ सुवेज को एक बड़ी सी नई ट्रीटमेंट फैसिलिटी में ले जाएगा, जो यहाँ से करीब 41 किलोमीटर दूर डेजर्ट में है। ये सुपर सुअर आपको ऊपर से भले ही नहीं दिखेगा, लेकिन अबू धाबी के फ्यूचर के लिए ये बहुत जरूरी है।
हम एक ऐसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं जो अगले 100 साल तक अबू धाबी के काम आएगा। हम ये नहीं चाहते कि अबू धाबी बस सरवाइव करे, हम तो चाहते हैं कि सबसे आगे रहे। तो क्रेन को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए इंजीनियर्स की जो टीम ये मेगा स्ट्रक्चर बना रही है, उनके लीडर है नासिर अल नुएमी। इसे एक एक करके वहाँ पर रखना है। मैं जमीन से 100 मीटर नीचे खोद रहा हूँ, तो पता नहीं नीचे क्या मिल जाए। नासिर की टीम के पास इस सुअर को बनाने के लिए सिर्फ 4 साल है। टनल्स को वक्त रहते डिक करने के लिए ये बहुत सारी बड़ी बड़ी टनल बोरिंग मशीन्स या TBMs का इस्तेमाल कर रहे हैं। किलोमीटर्स के लिए हम 8 different TBM यूज कर रहे हैं। इनमें से 5 जर्मनी से हैं और 3 जापान से हैं। और हर TBM की लेंथ 80 से 100 मीटर है। ये TBMs इतने बड़े हैं कि इन्हें अलग अलग पार्ट्स में पहले नीचे ले जाना होगा और फिर टनल में असेंबल करना होगा। और ये कुछ इस तरह काम करते हैं। TBM के आगे कटर हेड होता है जो एक बड़ा सा रोटेटिंग व्हील है जो डिस्क कटर से कवर्ड होता है और यही रॉक को काटेगा। इनके पीछे एक स्टील रिंग होती है जो TBM के आसपास खाली हो चुकी जमीन को कोलैप्स होने से रोकती है। एक रोबोटिक होइस्ट कंक्रीट सेगमेंट से एक टनल रिंग बनाता है। जब रिंग कंप्लीट हो जाती है तो हाइड्रोलिक आर्म्स TBM को आगे रॉक में धकेल देती है। ये हर 1.5 मीटर आगे बढ़ने के बाद एक नई रिंग बनाना शुरू करती है। अगर कंडीशंस बिल्कुल सही हो तो ये एक हफ्ते में करीब 100 मीटर तक डिगिंग कर सकती है और ये जहां से गुजरती है इसके रास्ते में ट्यूब शेप्ड सुअर टनल बन जाती है। ओ, मैं बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि मैं इमेजिन कर रहा हूं कि हर TBM पर कितना प्रेशर पड़ेगा, कितना फोर्स पड़ेगा अबू धाबी की मिट्टी को खोदने के लिए। मशीन्स टनल को 8 अलग अलग सेक्शंस में खोदेगी, फिर इन्हें तोड़ा जाएगा और एक साथ जोड़कर 41 किलोमीटर का सुअर बनाया जाएगा। 41 किलोमीटर तक डिगिंग और टनलिंग करना 4 साल में पता नहीं बन पाएगी या नहीं। इस एम्बिशियस सुपर सुअर को बनाने का काम आज से शुरू हो रहा है। ADSSC सिर्फ अबू धाबी की सुवेज प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना चाहती बल्कि वो काफी कुछ सोच रहे हैं। ये टनल तो अबू धाबी के सुवेज सिस्टम के लिए बन रहे मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर का एक छोटा सा हिस्सा है। ये एक कोलोसल पंपिंग स्टेशन भी बना रहे हैं ताकि वेस्ट वाटर को एक नए ट्रीटमेंट प्लांट तक भेजा जा सके। ये फैसिलिटी अबू धाबी के सारे गंदे पानी को रिसाइकल करके साफ पानी बना देगी और इसी साफ पानी से इस डेजर्ट सिटी के प्लांट्स और ग्रीन स्पेसेस को इरिगेट किया जाएगा। यह असल में अबू धाबी के विजन का एक पार्ट है। हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं और हमें इस पर प्राउड है। पंप स्टेशन को सिटी के बाहर अरेबियन डेजर्ट में बनाया जा रहा है और ये नए सुपर सुअर का आखिरी पड़ाव है। यहाँ से 40 किलोमीटर दूर पूरे अबू धाबी में लोग जब टॉयलेट फ्लश करेंगे तो सब कुछ यहाँ आ जाएगा। सब कुछ सुवेज ट्रीटमेंट में पंप कर दिया जाएगा जहाँ उसे प्रोसेस किया जाएगा और फिर क्लीन वाटर को वापस भेज दिया जाएगा प्लांट्स और ट्रीज में डालने के लिए। फिलहाल अबू धाबी सुअर वाटर को चैनल करने के लिए अपने 35 छोटे पंप स्टेशंस पर डिपेंड करता है, मगर ये नया बड़ा बन रहा पंप इन सारे छोटे पंप्स को रिप्लेस कर देगा। ये नई सुअर टनल शहर के नीचे दौड़ेगी और ये डिजाइन ही फोर्स ऑफ ग्रेविटी की मदद से वेस्ट वाटर को डेजर्ट से बाहर ले जाएगा।
लेकिन जब ये अपनी 41 किलोमीटर लंबी जर्नी के एंड तक पहुंचेगा, सीवेज जमीन के 100 मीटर नीचे पहुंच चुका होगा और जहां से ये ट्रीट किया जाना है वहां से ये काफी दूर होगा। तो टीम को जमीन में एक गड्ढा बनाना होगा ताकि पावरफुल पंपिंग स्टेशन के लिए जगह बन सके, और एक बार बनने के बाद ये स्टेशन एक ओलंपिक साइज जितने बड़े स्विमिंग पूल के पानी को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की हाइट तक उठा पाएगा सिर्फ एक मिनट में। और ये अब तक का सबसे गहरा अंडरग्राउंड पंपिंग स्टेशन बन जाएगा। तो ये कब तक पूरा होने वाला है? इस पंप स्टेशन को बनाने के इंचार्ज है एलन ग्रांट। हम जो भी इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं वो काफी बड़े हैं, उनका स्केल काफी बड़ा है, यहाँ सब कुछ बहुत बड़ा है। हमें इसे इस तरह से बनाना होगा कि ये 100% रिलायबल हो। जिस दिन हम इसे शुरू करें उस दिन सारा वेस्ट वाटर टनल से पंपिंग स्टेशन में आए, ये काम शुरू कर दे। और ये स्टेप प्रोग्राम का एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसका काम करना बहुत जरूरी है। पंपिंग स्टेशन के लिए 100 मीटर गहरा गड्ढा खोदना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि यहाँ की गर्मी इन वर्कर्स के लिए मुसीबत बढ़ा रही है। अबू धाबी में ब्रांड न्यू सुपर सुअर के लिए 8 कोलोसल डिगिंग मशीन्स ने 41 किलोमीटर की टनल्स को खोदना शुरू कर दिया है। ये टनल्स वेस्ट वाटर को एक नए पंपिंग स्टेशन पर ले जाएंगी जो यहां डेजर्ट में बनाया जाएगा। इस क्रू के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है, रेतीली जमीन के नीचे खुदाई करना। ये अबू धाबी से करीब 80 किलोमीटर दूर है और जैसा कि आप देख सकते हैं ये बहुत ही फ्लैट एरिया है। ये एक टिपिकल साइट है। डेवलपमेंट से पहले अबू धाबी ऐसा ही था। अबू धाबी एक कोस्टल डेजर्ट में है और इसके आसपास समंदर है। यहाँ हर साल करीब 10 सेंटीमीटर बारिश होती है, मगर इसके नीचे की जमीन उतनी ड्राई नहीं है जितना शायद आप सोचते हैं। कई बार लोगों को हैरानी होती है कि अबू धाबी एक डेजर्ट है और यहाँ बिल्कुल पानी नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि यहाँ काफी सारा ग्राउंड वाटर है। आप पानी निकलते हुए देख सकते हैं। इस गड्ढे को पानी से भरने में शायद 50 सेकंड से भी कम लगेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सी वाटर अंडरग्राउंड वाटर को ऊपर पुश करता है। ये ग्राउंड वाटर जमीन में करीब 30 किलोमीटर तक फैला हुआ है, और क्योंकि इसमें सी वाटर मिला है तो ये बहुत सॉल्टी भी होता है। यहाँ पर काफी अच्छे सॉल्ट क्रिस्टल्स हैं, जैसा कि आप यहाँ एक देख सकते हैं। ये ग्राउंड वाटर से ही आ रहे हैं। जैसे ही वाटर सरफेस तक पहुँचता है उसे सूरज की गर्मी मिलती है और वो इवेपोरेट हो जाता है और पीछे छूट जाते हैं ऐसे ब्यूटीफुल व्हाइट क्रिस्टल। इससे पहले कि इंजीनियर्स पंपिंग स्टेशन के लिए 100 मीटर गहरा गड्ढा खोदना शुरू करें, इन्हें कोई तरीका ढूंढना होगा जिससे कि ये सॉल्टी ग्राउंड वाटर शाफ्ट में से लीक ना करे। हम नहीं चाहते कि हमारा मटेरियल गीला हो जाए, उससे उसका वेट ज्यादा हो जाएगा। और यहाँ पर दिक्कत क्या है कि हमें खुदाई के बाद सारे मटेरियल को क्रेन से ही बाहर निकालना है। और इसका सोल्यूशन है, उन्हें एक बैरियर बनाना होगा जिसे डायफ्राम वॉल कहते हैं। ये 26 कंक्रीट पैनल्स का बना होता है और हर एक पैनल 40 मीटर गहरा होता है। पैनल्स एक साथ जुड़कर एक रेजिलिएंट वाटरप्रूफ बैरियर बनाते हैं। जब ये वॉल बन जाएगी तभी ये टीम अंदर के ग्राउंड को लीकेज होने का डर भूलकर खाली कर सकती है। एक सर्कुलर ब्रेस जिसे टो बीम कहते हैं इस वॉल के बेस पर लगाया जाएगा ताकि ये अपने वजन से गिर ना जाए। 40 मीटर नीचे जहां रॉक ज्यादा स्टेबल है और पानी निकलने से ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, वहां टीम आसानी से बिना डायफ्राम वॉल के खुदाई कर सकती है। वॉल बनाने के लिए
इंजीनियर्स को पहले एक 40 मीटर गहरा गड्ढा खोदना होगा ताकि कंक्रीट पैनल्स को उसमें डाला जा सके, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। देखो, अगर सिर्फ ऐसे ही गड्ढा खोद दिया तो ये भर जाएगा, तो हमें क्या करना होगा कि हमें उसे पंपेबल हैवी मड से भरना होगा। वो गड्ढे को साइड से सपोर्ट करेगी। एक बार जब हम उसे खोद लेंगे तो फिर हम इन रीइंफोर्सिंग केजेस को नीचे ले आएंगे और फिर इसमें कंक्रीट डाल देंगे। हर पैनल को बनाने के लिए 720 टन कंक्रीट लगेगा। ये कंक्रीट को साइट पर ही मिक्स करते हैं, और इन्हें ये ध्यान रखना होता है कि ये इतना मजबूत हो कि अबू धाबी में नेचर के एक और फोर्स का मुकाबला कर सके, जो है हीट। हम ऐसी जगह काम कर रहे हैं जो कंक्रीट का काम करने के लिए सबसे खराब है, क्योंकि कंक्रीट का टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो केमिकल रिएक्शन उस तरह नहीं होता जैसे होना चाहिए। क्रैक्स होने लगते हैं और ड्यूरेबिलिटी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। वैसी स्ट्रेंथ नहीं मिलती जैसी चाहिए। इसमें क्रैक्स ना आए इसके लिए इन्हें कंक्रीट को 24 डिग्री से नीचे कास्ट करना होगा। अगर किसी बैच को डालने से पहले ठंडा करने की जरूरत पड़ती है तो ये एक स्पेशल इंग्रेडिएंट डालते हैं, आइस। ओवरऑल टेम्परेचर को कंट्रोल करने का इजीएस्ट तरीका है, पानी के टेम्परेचर को कंट्रोल करो और अगर जरूरत पड़े तो थोड़ी सी आइस डाल दो। लेकिन हम आइस बाद में नहीं डालते, हम पानी की जगह आइस का इस्तेमाल करते हैं। हीट को बीट करने के बाद भी टीम को कंक्रीट डायफ्राम वॉल बनाने में 6 महीने लगेंगे, और इसके बाद ये 100 मीटर गहरे शाफ्ट को खोदना शुरू कर सकते हैं। इस टीम के पास ये करने के लिए सिर्फ 1 साल है, और ये बस उम्मीद ही कर सकते हैं कि ये वॉल अपना काम ठीक से करे और पानी को अंदर ना आने दे। दूसरी तरफ डाउनटाउन अबू धाबी में क्रू तेजी से 41 किलोमीटर की मेगा टनल बना रहा है, जो सूरज को पंप स्टेशन तक ले जाएगी। ये हाईटेक टीबीएम्स एक हफ्ते में 200 मीटर तक रॉक काट रहे हैं, जबकि पहले लग रहा था कि ये सिर्फ 100 मीटर ही काट पाएंगे। टीबीएम ड्राइवर ऑस्कर गोंजालेस लोपेस बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। ग्राउंड की क्वालिटी काफी अच्छी है, ये हमारे लिए परफेक्ट है। प्रोजेक्ट मैनेजर मैसिमो फ्रेंचेस्की के लिए टाइम पर काम पूरा करना एक चैलेंज है। यहाँ पर जो टनल बोरिंग मशीन है, जो इतनी सारी रिंग्स रोज बना रही है, ये सब लॉजिस्टिक्स की वजह से। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास एक ट्रेन है जो मशीन को मटेरियल, सेगमेंट्स, रेल्स, ग्राउट और फाइनली मैन पावर सप्लाई कर रही है। ये लोग यहाँ तेजी से काम कर रहे हैं और मशीन ऑपरेट कर रहे हैं। जितना जरूरी बिल्डिंग मटेरियल्स का टनल में आना है, उतना ही जरूरी खुदाई से निकले रॉक और सैंड को बाहर निकालना भी है। अगर आप इसे रेगुलर बेसिस पे बाहर नहीं निकालेंगे तो मशीन्स रुक जाएंगी और प्रोडक्शन आगे नहीं बढ़ पाएगा, इससे कंपनी का काफी नुकसान हो जाएगा। एक हाईटेक कन्वेयर बेल्ट सिस्टम जो खुदाई की स्पीड के हिसाब से चलती है, वो सैंड और रॉक को उन ट्रेन्स वैगन्स में डालती है जो मशीन के पीछे है। ट्रेन्स फिर वैगन्स को स्पेशल एक्सेस शाफ्ट से ग्राउंड्स के बाहर ले जाती है। ये बहुत जरूरी है कि हर ट्रेन सही टाइम पर सही जगह पर हो, तो भले ही ये सोफिस्टिकेटेड नहीं लग रही है, लेकिन ये इस प्रोजेक्ट की सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है। कन्वेयर बेल्ट इस सिस्टम का एक क्रूशियल लिंक है, और अगर ये टूट जाए तो टीबीएम्स रुक जाएंगे और एडीएसएससी को हर रोज करीब 2.5 लाख यूएस डॉलर का नुकसान होगा। जैसे जैसे मैसिमो और ऑस्कर की टनल का सेक्शन का ड्रिल पूरा हो रहा है, ये जरूरी होता जा रहा है कि वो ट्रैक पर रहे। हमने अभी रिंग की इंस्टॉलेशन पूरी की है और अब खुदाई शुरू कर रहे हैं। मशीन अब जिस रेट पे खुदाई कर रही है वो है 40 मिलीमीटर पर मिनट। इंजीनियर नसर अल नुएमी
8 टनलिंग मशीन्स देखते हैं और उनकी साख दांव पर लगी है। मुझे लगता है कि ये मेरे करियर का सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है दैट आई विल एवर फेस। जब मुझे ये प्रोजेक्ट मिला तो मुझे पता था कि ये ना सिर्फ मेरे बच्चों के काम आएगा बल्कि मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन के काम भी आएगा। जब भी वो ये बात करेंगे कि हमारे ग्रैंडफादर ने हमारे लिए क्या किया तो वो इस प्रोजेक्ट के बारे में भी जरूर बात करेंगे। बहुत अच्छा लगता है कि आप ऐसे प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं जो अबू धाबी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, एनवायरनमेंट की हेल्प करेगा, लोगों की हेल्प करेगा, साथ ही इकोनॉमी की ग्रोथ में भी हेल्प करेगा। अब से 2 दिन बाद नासिर एक हाई प्रोफाइल इवेंट होस्ट करेंगे। मासिमो की टनल मशीन अब टनल के एक और सेक्शन पर काम करने वाली है, लेकिन जैसे ही मशीन एंड तक पहुंचती है एक दिक्कत सामने आती है। कन्वेयर के साथ एक प्रॉब्लम हो गई है, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। कन्वेयर बेल्ट टूट गई है, हमें इसे अर्जेंटली ठीक करना होगा। मासिमो की टीम को जल्द ही कुछ करना होगा ताकि खुदाई शुरू की जा सके। अबू धाबी में मासिमो की टीम 8 टनल के सेक्शंस में से एक को पूरा करने में लगी है जो एक साथ मिलकर सिटी का नया सुपर सुअर बनाएंगे। इनकी जॉइंट टनल बोरिंग मशीन को ग्राउंड के नीचे 80 मीटर तक खुदाई करनी है, लेकिन बस कुछ ही मीटर बचे थे और कन्वेयर बेल्ट जाम हो गई और इससे ये मशीन बंद हो गई। सिचुएशन ठीक नहीं लग रही है, हम लोग बस ये काम खत्म करने ही वाले थे और अनफॉर्चुनेटली कन्वेयर बेल्ट खराब हो गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं क्रू इसे जल्दी से ठीक करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है क्योंकि हमें इस टनल को जल्द से जल्द पूरा करना है। ये देरी बहुत ही गलत वक्त पर हुई है। ADSSC इंजीनियर्स को एक ग्रैंड VIP इवेंट होस्ट करना है। ओह माय गॉड, बहुत नर्वस हूँ, बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही हैं, सच में। हिज हाइनेस शेख दियाब बिन मोहम्मद अल नयान को इसमें इनवाइट किया गया है। वो क्राउन प्रिंस के बेटे हैं, वो आ रहे हैं, वो हमारे ऑनर्ड गेस्ट हैं। ये एक बड़ा इवेंट है। नासिर नहीं चाहते कि आज के दिन कोई भी गड़बड़ हो। ये लोग सारी रात यहां रहेंगे ताकि सारी तैयारियां अच्छे से हो जाएं। जैसे जैसे इस इवेंट का टाइम नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे मासिमो पर कन्वेयर बेल्ट को टाइम पर ठीक करने का प्रेशर बढ़ रहा है। वहां बाहर डेजर्ट में पंप स्टेशन के लिए रिकॉर्ड ब्रेकिंग होल बनाने का काम भी रुक गया है। हाँ, कमिंग डाउन। यहाँ पैनल 11 में पानी आ रहा है, एक दिन में करीब 10,000 लीटर। यहाँ बाकी सब कुछ काफी ड्राई लग रहा है। कंक्रीट डायफ्राम वॉल से ग्राउंड वाटर बाहर आ रहा है, जबकि इस वॉल को इसलिए बनाया गया था ताकि पानी अंदर ना सके। हाल खराब है, नीचे जाते हुए सिचुएशन खराब हो रही है। ये अल्बानो और एलन के लिए एक बड़ा झटका है। जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं और हम डायफ्राम वॉल को क्लीन कर रहे हैं तो हमें एक क्लीन कॉन्क्रीट सर्फेस मिलनी चाहिए, जैसा की यहाँ हर जगह है, लेकिन यहाँ तो कॉन्क्रीट है ही नहीं, यहाँ बस सॉइल है। हमें नहीं पता कि ये क्या है, बाकी जगह तो सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन यहाँ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। पानी के फ्लो को रोकने के लिए अल्बानो इसमें कुछ एक्स्ट्रा कंक्रीट लगा रहे हैं। इन्हें उम्मीद है कि इससे पानी रुक जाएगा। हमने इसे रबर से रेनफोर्स कर दिया है और इसे पैनल्स के एजेस से कनेक्ट कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि इससे पानी रुक जाना चाहिए। फॉर्चुनेटली टनल में मासिमो की कन्वेयर बेल्ट ने फिर से काम करना शुरू कर दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी कन्वेयर ठीक हो गई है, तो सब ठीक है। अब होपफुली अब एंड तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
नासिर के लिए ये एक बड़ा रिलीफ है और अब ये अपनी पार्टी को एंजॉय कर सकते हैं। हमारे पास 20 मिनट का टारगेट है, देखते हैं मशीन बाहर आ जाएगी। यू नो, ये एक प्रोजेक्ट है, दिक्कतें आती हैं, आपको उन्हें सॉल्व करना पड़ता है। मेहमान आने वाले हैं और इनमें इनके एक्सीलेंसी शेख सुल्तान बिन तनून अल नयान और एडीएसएससी चेयरमैन अब्दुल्ला अल मुस्ले अल अहबाबी भी है। अब ये टीबीएम ड्राइवर ऑस्कर का काम है कि टीम को फिनिश लाइन तक ले जाए। ऑस्कर, तुम श्योर हो ना कि अब करेक्ट पोजीशन पे पहुंच जाएंगे? सारे कोऑर्डिनेट्स परफेक्ट हैं। आखिरकार 6 महीने की लंबी खुदाई के बाद टीम को मिलती है ये खुशखबरी, ये दो टनल्स एक हो गए। और ये अच्छी खबर है मासिमो और ऑस्कर के लिए। ये एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, मैं बहुत खुश हूं कि ये टनल फिनिश हो गई। एंड में काफी लोग नर्वस थे क्योंकि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, सबको इस चीज का डर था, और मुझे लगता है कि हर कोई काफी ज्यादा खुश है। थैंक यू, वेल डन। ये तो उन 8 में से पहला ही ब्रेक थ्रू है जिन्हें ज्वाइन करने के बाद बनेगा ये सुपर सुअर। अब पंप स्टेशन टीम पर प्रेशर बन गया है कि वो बाकी के जॉइंट शाफ्ट को खोदकर बाहर निकाले ताकि उसे टनल से कनेक्ट किया जा सके। लेकिन अल्बानो के लोगों से डायफ्राम वॉल के लीक ठीक नहीं हो रहे हैं, इस वजह से दूसरे लोगों के काम भी रुक गए हैं। हम दिन में 20 घंटे काम कर रहे हैं, हफ्ते में 6 दिन। ओरिजिनली हमने प्लान किया था कि हम हर वीक 8 मीटर तक खुदाई करेंगे, लेकिन इस रिपेयर की वजह से हम हर वीक बस 2 मीटर ही कर पा रहे हैं। हम अभी काफी पीछे चल रहे हैं और अभी हमें बहुत सारा काम करना है, तुम समझ रहे? अबू धाबी में इंजीनियर्स सिटी के ब्रांड न्यू सुपर सुअर के लिए पंपिंग स्टेशन बना रहे हैं और वो किसी भी तरह ग्राउंड वाटर को वर्क साइट पर आने से रोक रहे हैं। जैसे जैसे हम खुदाई करते गए हालात और खराब होते गए। हमने 2-3 दिन रिपेयर की और फिर हमें 6-7 दिन वेट करना पड़ा ताकि कंक्रीट मजबूत हो जाए, हम आगे बढ़ सके और खुदाई कर सके। और हमें हर 2 मीटर के लिए 10 दिन वेट करना पड़ रहा है, जो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हम। अब ये प्रोजेक्ट अपने शेड्यूल टाइम से 1 हफ्ता लेट चल रहा है। अल्बानो ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक और आइडिया ढूंढ निकाला है। हम काफी टाइम बचा सकते हैं अगर टो बीम को उठा लें। पंप स्टेशन के लिए 100 मीटर डीप होल बनाने का ओरिजिनल प्लान ये था कि 40 मीटर तक गहरी खुदाई करो और सर्कुलर ब्रेस यानी टो बीम को लगा दो और जो डायफ्राम वॉल के बेस को सपोर्ट करेगी। लेकिन एक पैनल में क्रैक की वजह से पूरी वॉल की स्ट्रेंथ कमजोर हो गई है। इन्होंने भले ही इसे ठीक से कर दिया हो, लेकिन 29 मीटर के नीचे वॉल अब भी काफी कमजोर है। इसलिए अल्बानो की टीम को 2 बीम सपोर्ट वॉल के ऊपर लगाना होगा ताकि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ सके, तभी वो खुदाई जारी रख सकते हैं और पंपिंग स्टेशन को सुअर टनल से लिंक कर सकते हैं। अब के बाद मुझे पैनल 11 नहीं दिखना चाहिए, मैं टो बीम को पोर करूंगा और नीचे चला जाऊंगा। टो बीम को बनाने के लिए वर्कर्स वॉल के बेस के आसपास रीइंफोर्स्ड स्टील की करीब 2 मीटर चौड़ी रिंग असेंबल करेंगे और फिर वो उसे कंक्रीट से भर देंगे। फिनिश्ड रिंग अब डैमेज्ड पैनल को पूरी तरह कवर कर लेगी। अब मैं खुश हूँ क्योंकि हम खुदाई को पहले ही की तरह कर पाएंगे, अब हम अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ सिटी में टनलिंग मशीन्स भी अपना काम फिनिश करने वाली हैं। इंजीनियर्स
टनल्स के जो सेक्शंस बना चुके हैं उन पर एक इंजीनियस मटेरियल लगा रहे हैं जो है पॉलीएथिलीन शीट, ताकि क्रोसिव वेस्ट वाटर कंक्रीट को खराब ना कर सके। ये पूरी टनल सीवेज से आधी भर जाएगी। सीवेज अपने आप में एक अग्रेसिव मटेरियल होता है, उसमें से गैसेस निकलती हैं, ह्यूमिडिटी होती है, साथ ही टेम्परेचर 50 डिग्री से भी ज्यादा होता है। इन सब की वजह से वो एक बहुत ही गंदा सा वेपर बना देता है जो फिर सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। तो कंक्रीट को सल्फ्यूरिक एसिड से बचाने के लिए हम HDPE लाइनिंग लगा रहे हैं जो पीछे से स्टडेड है, और कंक्रीट में ये शियर स्टड्स घुस जाते हैं और इस तरह से ये कंक्रीट के साथ लगी रहती है। ओके नासिर, हम अभी ब्लू टनल से बाहर आए हैं और अब हम व्हाइट टनल में हैं। ये सारे सेक्शंस हो गए हैं। दैट्स गुड, बहुत बढ़िया काम किया। ये लाइनिंग टनल को करीब 80 सालों तक प्रोटेक्ट करेगी। अगर लाइनिंग का कोई हिस्सा कभी खराब हो जाता है या निकल जाता है तो ADSSC वर्कर्स रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स को एक्सेस शाफ्ट से इनमें भेजकर उनका इंस्पेक्शन कर सकते हैं। और इनके पास एक बहुत ही जबरदस्त तरीका है ये पता करने का कि टनल का कौन सा सेक्शन डैमेज हुआ है। अगर कुछ ऐसे पैचेस हैं जो गिर गए हैं और पंपिंग स्टेशन पर आ गए हैं तो हमें पता चल जाएगा। अगर वो व्हाइट होंगे तो हमें पता होगा कि वो इस सेक्शन में है। अगर ब्लू होंगे तो मतलब कि वो उस सेक्शन में है। अगर येलो होंगे तो हमें पता होगा कि 30 किलोमीटर दूर है। इससे हमारा टाइम बचेगा और पूरी टनल नहीं देखनी पड़ेगी। मुझे पता है इसमें पिंक कलर भी है। पिंक उस तरफ 4 किलोमीटर आगे है। एक बार डैमेज हिस्से का पता लगने के बाद वर्कर्स टनल में आकर वहां नए पैचेस लगा सकते हैं। अब टनल की सिर्फ एक सेक्शन की खुदाई का काम बचा है और फिर इस कलर कोडेड सुपर सुअर को सही टाइम पर डिलीवर कर दिया जाएगा। 41 किलोमीटर की लाइन टनल सिर्फ 3 साल में। 3 साल में क्या बात है, काफी अच्छा काम किया। पंप स्टेशन में टो बीम इंस्टॉल हो गई है और एलाबानो अपनी टीम को काम जल्दी पूरा करने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। यही हमारी फैमिली है, सारी टीम एक साथ डिनर के लिए जाती है और हम वहाँ पर यही बातें करते हैं कि हमें ऐसा करना है, वैसा करना है। इंजीनियरिंग से जुड़ी बातें होती हैं। आप जो काम करें वो अच्छा होना चाहिए, ये काफी डिमांडिंग है। टीम को जल्दी ही काम पूरा करना होगा, नहीं तो ये उन पंप्स और मोटर्स को इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे जो पोर्ट पर पहुंच चुकी है। ये वक्त है अबू धाबी के जायद पोर्ट की सुबह का और जापान से एक कंटेनर शिप बहुत सा सामान लेकर आ रहा है। नई कारों के साथ इसमें 40 से ज्यादा स्पेशली पैक्ड क्रेट्स हैं, जो पंप स्टेशन के लिए हैं। इस बार कार्गो जापान से आया है, पहले ये यूरोप से आता था और नॉर्थ अमेरिका से भी आता था। इन बॉक्सेस में स्टेशन के पंप्स के साथ साथ मौजूद है असली पावर हाउसेस, यानी जाइंट मोटर्स। इस मोटर का वेट करीब 40 टन है, तो मोटर काफी हैवी है। मोटर्स को बड़े ध्यान से अबू धाबी के बिजी हाईवे से ले जाना होगा और फिर अरेबियन डेजर्ट से भी। फाइनली जापान से करीब 8000 किलोमीटर दूर ये अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच गई है। ये उन 8 मोटर्स में से आखिरी है जो पंपिंग स्टेशन को चलाने के लिए चाहिए। ये देखना जरूरी है कि इसमें कोई डैमेज ना हो। ये मोटर सिर्फ अकेली मोटर ही करीब 1.2 मिलियन यूएस डॉलर्स की है। ये एक हाई वोल्टेज मोटर है 6300 वोल्ट्स की, और ये पंप को एनर्जी देगी जिससे वो टनल के बॉटम से सीवेज को ऊपर वेस्ट ट्रीटमेंट वाटर प्लांट्स तक लाएगा जहां से उसे ट्रीट किया जाएगा। ये 5000 लीटर्स पर सेकंड के हिसाब से पंप करती है। इस स्पीड से ये एक ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल को 8 मिनट में भर देगी। अब हमें हमारी 8वीं मोटर भी मिल गई है तो सब कुछ सही लग रहा है।
अब जब सारी मोटर्स साइट पर आ गई है तो टीम को जल्द से जल्द पंप स्टेशन के इस जाइंट होल को फिनिश करना होगा। लेकिन इस टीम की डिगिंग करने की भी एक लिमिट है। यहाँ सब कुछ हो रहा है, हमारे पास इतनी जगह है तो मैं यहाँ और ज्यादा मैन पावर नहीं लगा सकता। हम दो शिफ्ट में काम कर सकते हैं, दिन में 24 घंटे काम कर सकते हैं, हफ्ते के सातों दिन, लेकिन मैं यहाँ पर अपनी मैन पावर डबल नहीं कर सकता। और ये जितना गहरा खोदेंगे उतना ही ज्यादा रॉक्स को और मलबे को ऊपर लाने में टाइम लगेगा। ये काम मुश्किल हो गया है क्योंकि गर्मी आ गई है, टेम्परेचर 50 डिग्री से ज्यादा हो गया है। इतनी गर्मी में काम करना बेहद मुश्किल है। मोरद ज़ियानक ये डिसाइड करते हैं कि काम कब रोकना है। अगर ग्रीन फ्लैग हो तो वो नॉर्मल है, ऑरेंज हो तो मतलब इन्हें 15 मिनट रेस्ट करना होगा हर घंटे, और ब्लैक मतलब फुल स्टॉप, कोई काम नहीं होगा। अगर आप इन्हें नहीं रोकेंगे तो इन्हें हीट स्ट्रेस रिलेटेड इंजरीज हो जाएंगी और ये बहुत जल्दी बेहोश हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि मुझे पसीना आ रहा है। ट्रैक पर रहने के लिए मोरित्स ग्राउंड पर चल रहे काम को तो भले ही रोक सकते हैं, लेकिन नीचे के काम को रोकना बेहद मुश्किल है। इन्होंने यहाँ इतने बड़े बड़े पंप्स लगाए हैं जिससे नीचे की हवा ठंडी हो जाए और शाफ्ट में टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बाकी की साइट खाली हो गई है और ये लोग शाफ्ट के नीचे काम करने चले गए हैं। इससे हम गर्मियों के महीने में भी आराम से काम कर सकते हैं, आराम से। टाइम काफी कीमती है लेकिन आपको सब कुछ सेफली करना भी जरूरी है। जहां ठंडी हवा की वजह से पंप स्टेशन का क्रू जल्दी काम कर 100 मीटर डीप फिनिशिंग लाइन की तरफ बढ़ रहा है, वहीं अबू धाबी की सड़कों के नीचे 41 किलोमीटर दूर से अपनी जर्नी शुरू करने वाली टनल अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गई है। और ये था फाइनल ब्रेक थ्रू। जो ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहा है, ये हम सब के लिए काफी स्पेशल है। ये हमारे लिए एक फिनोमिनल अचीवमेंट है। ये हमारे लिए काफी मायने रखता है। ये अबू धाबी के लिए एक यूनिक प्रोजेक्ट है। मुझे इस बात की टेंशन है कि टनल फिनिश हो गई है, अब पंपिंग स्टेशंस की बारी है, तो काम में अब कोई प्रेशर नहीं है। टनल टीम के लिए एक बड़ा काम बचा है, इस बड़ी सी मशीन को ग्राउंड तक ले जाना ताकि सुअर टनल क्लियर हो जाए। मुझे दुख हो रहा है कि ये मशीन हमारी कंट्री से चली जाएगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि हम सक्सेसफुल हो गए, हमने अपना मिशन पूरा कर लिया है। अब हम इसका फर्स्ट पार्ट रिमूव करेंगे और ये फैक्ट्री में वापस जाएगी और फिर शायद कहीं और यूज होगी। हेलो साइड साइड। टनलिंग मशीन इतनी बड़ी है कि इसे सेक्शंस में बाहर निकालना पड़ रहा है। कटर हेड का अकेले वजन 45 टन है और इसे बिना किसी नुकसान के बाहर निकालना होगा। बहुत नर्वस हूं। हर किसी को डर लग रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, केबल ना टूट जाए या कुछ और ना हो जाए। क्रेन ह्यूज वेट की वजह से टिल्ट भी हो सकती है। जब कटर हेड ट्रेलर पर चला जाएगा तब जाकर मैं कहीं चैन की सांस ले पाऊंगा। जैसे ही इसमें से ये आवाज आती है इस तरह से ओके, तब मुझे काफी डर लगता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, थैंक गॉड। ये जाने के लिए रेडी है। अब सिर्फ एक काम बाकी बचा है और वो है इस टनल को पंपिंग स्टेशन से जोड़ने का।
और अब सालों से चल रहा ये बड़ा सा काम खत्म होने की कागार पर है। चार साल पहले ADSSC के इंजीनियर्स ने एक नया सुपर सुअर बनाने का एम्बिशियस प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसका नाम है स्टेप, ताकि अबू धाबी की बढ़ती हुई पॉपुलेशन की डिमांड को पूरा किया जा सके। आज इन्होंने शहर के नीचे 41 किलोमीटर की टनल की खुदाई का काम पूरा कर लिया है और उसे एक 100 मीटर गहरे शाफ्ट से कनेक्ट कर दिया गया है, जहां ये बड़ा सा जॉइंट पंप स्टेशन लगाएंगे। कंस्ट्रक्शन मैनेजर अल्बानो ओलिवेरा इंजीनियर नासिर अल नुएमी को पहली बार कनेक्शन दिखाने के लिए ले जा रहे हैं। वाओ, यू गाइस डिड अ गुड जॉब। ये कमाल की बात है कि हम उन कुछ लोगों में से हैं जो यहां इतनी नीचे तक आए हैं। जब ये बन जाएगा, जब यहां सुबह जाना शुरू होगा, तो यहां कोई नहीं आएगा। नासिर और अल्बानो के लिए शाफ्ट के नीचे वेट कर रहे हैं इंजीनियर एलन ग्रांट। यहां तो काफी ठंड है। हाँ, सही कहा। मैं फर्स्ट टाइम टनल को दूसरी साइड से देख रहा हूँ। हाँ, पहली बार देख रहे हो। इसे ज्यादा लोगों ने नहीं देखा है। हाँ, सही कह रहे हैं। हाँ, ये टनल का बिल्कुल एंड है। या, अब मैं देख सकता हूँ कि ये एक स्नेक जैसी है, बिल्कुल स्नेक जैसी। हम हमेशा कहते थे कि ये टनल 20 मीटर से 100 मीटर तक नीचे जाती है, लेकिन मैंने कभी 100 मीटर नीचे नहीं देखा था। आज वो भी देख लिया। ग्रेट। नासिर, अल्बानो और एलन मिडल ईस्ट की सबसे लंबी टनल और डीपेस्ट होल के जंक्शन पर खड़े हैं और यहाँ खड़े होकर ये अपनी कमाल की अचीवमेंट भी दिखा रहे हैं। It's great relief to me. नीचे इतनी दूर तक आना, स्पेशली तब जब ये चैम्बर पूरी तरह से एंड तक बन गया है। यहाँ कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले कभी एक साथ काम नहीं किया था। ये सब अलग अलग काम करते थे और यहाँ इन्होंने एक साथ टीम की तरह काम करना सीखा। ये एक फैमिली बन गए और सब कुछ ठीक हो गया। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि सब कुछ अच्छे से हो गया है। जो सपना ADSSC ने देखा था वो आज सच हो गया। यस। एक बहुत बड़ी जंग के बाद वर्ल्ड के लार्जेस्ट टनल्ड सुअर सिस्टम बनाने का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्रीम अब एक रियलिटी बनने वाला है। फाइनल टास्क है पंपिंग स्टेशन की मशीनरी इंस्टॉल करना। 8 जॉइंट पंप्स जो बड़ी बड़ी मोटर्स से चलेंगे, वो 5000 लीटर सुअर वाटर को हर सेकंड सरफेस से 100 मीटर ऊपर ले जाएंगे। यहां इसे क्लीन, ट्रीट और रिसाइकल किया जाएगा और ये अबू धाबी को अगले कई सालों तक इरिगेट करता रहेगा। इसे कोई देख नहीं सकता, ये अंडरग्राउंड है, लेकिन वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना आप वर्ल्ड क्लास सिटी नहीं बना सकते। इस नए सुअर सिस्टम को बनाकर ADSSC ने अबू धाबी के भविष्य की नींव रख दी है। अबू धाबी में इस तरह का एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है और आने वाले सालों में ये एमिरेट की सक्सेस का एक बड़ा हिस्सा होने वाला है।